हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान को मदीने की रियासत बनाने का अहद किया। अभी तक तो मदीने की रियासत नज़र नहीं आ रही, हिंदुओं की रियासत नज़र आ रही है। इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के लिए जगह वक्फ कर दी गई। हिंदू हिंदुस्तान में मस्जिदें गिरा रहे हैं, हम उनके लिए मंदिर बना रहे हैं। मदीने की रियासत की बजाय सिखों की रियासत नज़र आ रही है। कौम भूखी मर रही है और टैक्स के पैसे से करतारपुर का बॉर्डर खोला जा रहा है ताकि वो अपने गुरुद्वारे की ज़ियारत के लिए आएं और उनको तकलीफ ना हो। दीने की रियासत नहीं, ईरानी रियासत बन रही है या कादियानी रियासत बन रही है। गुलाम अहमद कादियानी कादियान में पैदा हुआ और कादियानियों ने हिजरत की रबवे की तरफ। कादियान और रबवे को आपस में मिलाने के लिए, कादियानियों को सहूलत देने के लिए कि वो करतारपुरा बॉर्डर से आएं, वहाँ के कादियानियों से गठजोड़ करें पाकिस्तान के खिलाफ, और महज इत्तेफाक नहीं कि तानिया इदरीस वज़ीर आज़म की मुशीर ख़ास बने और अक्वामे मुत्तहिदा में मुनीर शेख कादियानी को हुकूमत की तरफ से मुस्तकिल मंदूब मुकर्रर किया जाए। मुशीरों की फौज है कादियानियों की। लोग तहकीक करके कादियानियों को नंगा करते हैं कि ये भी कादियानी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA अबू बकर खुदा बख्श नाम है उसका, वो इस वक्त कादियानी है। आप लोगों के ऊपर अपॉइंट हुआ हुआ है और ये जो साइबर क्राइम विंग जितना भी होता है और इस तरह के मुतलका विंग्स हैं, ये PTI के दोस्त बैठे हैं, आपके भी मैं गोशगुजार करना चाहूँगा कि इस पर लाजमी आपने एक्शन लेना है। एक DG होता है, DG के बाद सारा इख्तियार एडिशनल DG को ही होता है, वो एक कादियानी बैठा हुआ और इतने हसास इदारे में बैठा हुआ है। तो इस पे मैं चाहूँगा कि आप लोग कैंपेन सोशल मीडिया पे चलाएं कि पाकिस्तान के जो मुक्तदर और हसास इदारे हैं इनमें खुदारा आप कादियानियों को, क्योंकि ये सर्टिफाइड है कि दे आर नाइदर सिंसियर विद इस्लाम, माइनॉरिटीज़ की बात अलग है, देवर नॉर देयर सिंसियर विद पाकिस्तान, सबूत के साथ में लाया हूँ। कादियानियों ने 33 कनाल 7 मरले पर मुश्तमिल ज़मीन ख़रीदी है जिस पर वो इस्लामाबाद में अपना मरकज़ बनाएंगे। सारे वो उनके जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं वो इसमें हैं और उस मरकज़ में बैठ के क्या पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के बारे में बात की जाएगी, किस तरीके से वो हमारे तालीमी निसाब पे आके चीज़ें अमेंड करने की कोशिश करेंगे। आज की ही आपकी न्यूज़पेपर्स की कटिंग्स में है कि आर्टिकल नंबर 295C एंड 295A and 298 should be excluded from the constitution of Pakistan। ये अमेरिका की जो रिक्वेस्ट आप लोगों के लिए, रिक्वेस्ट तो नहीं वो ऑर्डर है, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उस ऑर्डर को वो ओबे करने की पूरी कोशिश करेंगे। लिहाजा दिस इज़ द राइट टाइम कि हम इस पर एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव दें, क्योंकि ये हमारी पल्स चेक की जा रही है। अगर किसी को इजरायली झंडा पकड़ा के बिठा दिया जाता है वो भी पल्स चेक की जाती है कि पाकिस्तानी अवाम का रद्देअमल क्या होगा। कोई हल्फनामे में तरमीम होती है तो वो कोई इतनी बड़ी वो साजिश से ज़्यादा आपकी पल्स चेक की जाती है, क्योंकि अगर आपकी पल्स चेक करने में अगर कमी हो गई, आपने मौसर जवाब ना दिया, तो वो पूरा कानून सिरे से ख़राब कर सकते हैं। हुकूमत माजरत कर लेती है, अच्छा हटा देते हैं, नया लाती है, वो भी कादियानी। ये हुकूमत असल में रियासत मदीना नहीं,
या ईरान की रियासत बनाना चाहती है या कादियान की रियासत बनाना चाहती है। ईरानियों के लिए कोई कानून नहीं, कोई ज़ाब्ता नहीं, कोई असूल नहीं, कोई लॉकडाउन नहीं, कोई पाबंदी नहीं। शाम में अहल सुन्ना को कत्ल करने के बाद तफ्तान बॉर्डर के ज़रिए से पाकिस्तान में कोरोना लाने का बाइस बनने वाले अफराद, इनके शनाख्ती कार्ड जाली, इनके पासपोर्ट जाली, इनके एड्रेस जाली, और वो इदारे खामोश हैं जो तालिबान के खिलाफ जब उन पर पाबंदी लगाई गई जेलों में देवबंदियों को भर दिया गया। और अहले हदीसों को दाइश के बहाने नौजवानों को कई कई माह तक जेल में रखा गया, लेकिन इन पर कोई पाबंदी नहीं, खुली आज़ादी है, जो चाहें करें, हुकूमत की रिट को चैलेंज करें और कहें यौम अली के मौके पर हम जुलूस निकालेंगे, तुम रोक कर दिखाओ। जुलूस निकले और अहले सुन्ना को उनकी वजह से ईद की नमाज पढ़ने की इजाज़त मिली, जुमा पढ़ने की इजाज़त मिली कराची और सिंध में। यानी पाबंदियां अहले सुन्ना पर और ईरानियों और कादियानियों को खुली छुट्टी, और मदीने की रियासत बन रही है। सिंध हुकूमत का वजीर इत्तिलात सैयद नासिर सिंध असम्बली में एक करारदाद पेश करता है, मंजूर करवाता है। जन्नत की खवातीन की सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर, शेर खुदा की अहलिया और जन्नत के नौजवान नान के सरदार हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वालदा हैं, जिन्हें उम्मुल अंबिया यानी अंबिया की माँ कहलाने का लकब हासिल है। अफसोस है कि इनकी कब्र मुबारक बेसाया और बगैर छाँव के है। कि हुकूमत पाकिस्तान सऊदी अरब की हुकूमत से राबता करे और उनको कहे उम्मुल अंबिया हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी कब्र कोई दरख्त नहीं उसके ऊपर और कोई साया नहीं उसके ऊपर, मज़ार तामीर करे, चंदा हम करके देंगे, पैसे हम देंगे, लेकिन हुकूमत सऊदी अरब को मजबूर किया जाए कि इमामुल उम्मुल अंबिया हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र पर मज़ार बनाया जाए। और करारदाद पाकिस्तान की सिंध असम्बली से मंजूर करा ली, खुली छुट्टी है इनको। और इसके मुकाबले में फातमियून ने, जैनबियून ने खलीफा खामिस हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की कब्र को उखाड़ कर उनकी हड्डियों को आग में जलाया। हुकूमत को या किसी गिरोह को कोई तकलीफ नहीं हुई। अफसोस और दुख की बात है कब्रों पर बनी हुई इमारत हदीस के मुताबिक गिराई जा सकती है। हजरत हसन और हुसैन के नाना का तरीका रहा है, आपने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को ऊंची कब्र गिराने का हुक्म दिया और ऐसे ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अबुल हयाज असदी को उन ऊंची कब्रों को गिराने का हुक्म दिया जो शरीयत इस्लामिया से टकरा रही हैं। अल्लाह के नबी भी हुक्म दे रहे हैं, हजरत अली भी हुक्म दे रहे हैं,
और उनके हुक्म के मुकाबले में सिंध असम्बली करारदाद पेश करती है और अल्लाह के नबी ने मुर्दे की हड्डी को तोड़ने से मना फरमाया है और ये मुर्दों की हड्डियों को निकाल कर आग लगा रहे हैं। क्यों? इसलिए कि इसका ताल्लुक हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के खानदान से। यह होती है मदीने की रियासत। मदीने की रियासत का नाम लेने वालों, डूब मरो, गैरत अगर तुम्हारे अंदर मौजूद है, मदीने की रियासत हो और नबी के साथियों पर तबर्रा किया जाए, नबी के साथियों को झूठा करार दिया जाए, नबी के साथियों पर यह इल्जाम लगाया जाए कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो हदीसें घड़ा करते थे, मोहम्मद अमीन शहीदी जिसको ईरानी अल्लामा कहते हैं, मुते की औलाद, कंजरियों का बेटा, बेगैरत इंसान, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में कहता है, तो देख लो हजरत अबू हुरैरा को अपने दौरे इख्तदार में मुआविया ने मक्का का गवर्नर बनाया था। मुआविया ने अपने दौरे इख्तदार में एक शख्स, तारीख की किताबों में लिखा है कि एक शख्स बाहर कहीं से प्याज लेके आया, शहर में बेचना चाह रहा था, कोशिश बड़ी की, बिकी नहीं। आया अबू हुरैरा के पास, कहा कि देखो मैं मुसलमान हूँ, ताजर हूँ, मैंने सुना था कि मक्का में प्याज की कहत साली है, तो इसलिए मैं अपनी सारी दौलत खर्च करके प्याज लेके आया, लेकिन अब प्याज बिकनी रहा और सड़ने के करीब है, तो कोई ऐसा काम कर दो जिससे मेरी प्याज बिक जाए और कम से कम मैं नुकसान से बच जाऊं। मुसलमान हो तुम्हें भी सवाब होगा, सवाब का कोई रास्ता निकाल लो। सवाब का रास्ता निकाल लो, ठीक है निकालता हूँ। गया, कहा कि जुमे के दिन आ जाना। जुमे के दिन मस्जिद में खड़े होकर खुतबा दिया और हदीस पढ़ी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था कि जिसने अक्का की प्याज मक्का में खरीदी और खाई उस पर जन्नत वाजिब है, तो इसलिए देख लो अक्का की प्याज आई हुई है, कहीं ऐसा ना हो कि जन्नत से महरूम हो जाए। लोग जब निकले तो प्याज खत्म हो गया और उसका जो नुकसान हो रहा था उस नुकसान से वो बच गया, उसने आगे बड़ा शुक्रिया अदा किया। और हजरत अबू हुरैरा भी बहुत मुतमईन, क्यों? इसलिए कि उसने एक मुसलमान को एक मुश्किल से निकाला है, लेकिन रास्ता कौन सा इख्तियार किया? जो उनकी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक तो था, लेकिन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं था। हजरत माविया ने हजरत अबू हुरैरा को मक्के का गवर्नर बनाया, अक्का से एक प्याज का ताजिर इस खबर को यकीनी जान करके मक्के में प्याज की किल्लत पैदा हो गई है, वो मक्के का ताजर हजरत अबू हुरैरा के पास आता है। मक्के में प्याज कसरत से मौजूद था, लेकिन उसको इत्तला मिली कि वहां कहत पड़ गया है प्याज का, अब इसका प्याज गलने के करीब है। ये हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हों के पास आकर कहता है, अबू हुरैरा मेरी मदद करो, मैं प्याज लेकर आया हूं, प्याज बिकवाओ नहीं तो गल सड़ जाएगा। हजरत अबू हुरैरा कहने लगे, जुमे को आना। वो जुमे को आ गया, हजरत अबू हुरैरा नाउज़ु बिल्लाह मिंबर पर चढ़े और कहने लगे, जिस शख्स ने मक्के में रहकर अक्के का प्याज खरीद कर खाया, अल्लाह ताला ने उस पर जन्नत को वाजिब कर दिया। लोग धड़ाधड़ प्याज खरीदने लग गए कि अल्लाह के नबी की हदीस आ गई, लिहाजा हम जन्नत के वारिस बन जाएंगे अक्के का प्याज खरीद कर। इन स्याह चेहरे वालों को, कंजरियों की औलाद को, बेगैरतों को इल्म है इस बात का कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन कज़ब अलैया मुतअम्मदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जो जान बूझ कर मुझ पर झूठ बोलेगा वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। बेगैरत है ये हकूमत, इनके वजीर या कादियानी या ईरानी,
सिंध का वजीर आला ईरानी, वजीर इत्तलात ईरानी, अली जुल्फी ईरानी, अली जैदी ईरानी, ये सारे इर्द गिर्द या कादियानी भर रखे हैं या ईरानी भर रखे हैं, और वो फैसले करते हैं जो मुसलमानों के खिलाफ रंज में मुबतला करने वाले, अजियत देने वाले। अब इन पर कोई पाबंदी नहीं। मुहर्रम आने वाला है, हम पर पाबंदी। ये सहाबा के बारे में क्यों गुफ्तगू करते हैं, उनके फजाइल क्यों गिनवाते हैं, और इन कुत्तों को खुली छूट, तुम जो चाहो भौंको। क्यों नहीं मदीने की रियासत हरकत में आती है और मोहम्मद अमीन शहीदी को गिरफ्तार करती है और इस पर मुकदमा चलाती है कि तूने नबी के सहाबा की तौहीन की, मदीने की रियासत में नबी के असहाब पर यह इल्जाम लगाया कि वो झूठी अहादीस गढ़ा करते थे। और दुख और तकलीफ की ये बात यह है कि इतनी जुर्रत इनमें पैदा कैसे हुई, किसने इनको मौका दिया? हम सुन्नियों ने इनको मौका दिया कि इनके अंदर इतनी जुर्रत पैदा हो गई कि सहाबा पर जबान दराजी करने उतर आए। हनफियों की किताब असूल शाशी और नूरुल अनवार मुल्ला जीवन की। लिखते हैं उसमें वल किस्मु सानी मिनर रवात, रावियों के कई दर्जे हैं, उन रावियों की दूसरी किस्म क्या है? वो मारूफ हैं, जाने पहचाने हैं, बिल हिफ्ज़े वल अदालते, उनका हिफ्स के वो भूलते नहीं हैं नबी की हदीस, और आदिल भी हैं, दोनों शर्तें हदीस को बयान करने के लिए जरूरी हैं, आदिल भी हो हाफिज भी हो, बेईमानी करने वाला ना हो। दूनल इज्तिहाद वल फतवा, लेकिन उसके अंदर इज्तिहाद का मादा ना पाया जाए और वो फतवा देने के काबिल ना हो। इन रावियों में किनको शुमार किया है? कहते हैं काबी हुरैरा था व अनस इब्ने मालिक, जैसे हजरत अबू हुरैरा हैं और अनस बिन मालिक। मानते हैं कि ये मारूफ हैं नबी की अहादीस को कसरत से बयान करने वाले, हिफ्स की कमी नहीं, अदालत की कमी नहीं, लेकिन इनके अंदर इज्तिहाद नहीं, मुज्तहिद नहीं, और फतवा देने के भी काबिल नहीं। कौन? अबू हुरैरा और हजरत अनस। अब अगर ये हदीस बयान करें तो क्या किया जाए? कहते हैं फइन वाफकल खबरो अल कयास, अगर इनकी हदीस कयास के मुताबिक हो, फला खफाफी लजूम अमल बिह, तो इनकी हदीस पर अमल करना लाजिम है। अगर इनकी हदीस कयास के मुवाफिक है, इनकी हदीस पर अमल करना लाजिम है। वाइन खालफहू कानल अमल बिल कयास औला, और अगर इनकी हदीस कयास से टकरा रही है तो कयास पर अमल करना ज्यादा बेहतर है। नबी की हदीस को, जिसको अबू हुरैरा और अनस इब्ने मालिक रवायत करें, अगर वो कयास से टकरा जाए तो तुम्हारे आइम्मा के कयास पर अमल किया जाएगा, नबी की हदीस को छोड़ दिया जाएगा।
यही बात मुल्ला जीवन नूरुल अनवार में लिखते हैं, वाइन और एफा बिल अदालत व जब्त दून अल फिक्र। अगर किसी रावी की अदालत और जब्त मारूफ हो लेकिन उनके अंदर फिका ना हो, वो फकी ना हो, समझ बूझ उनमें ना हो, का अनस व अबी हुरैरा था, जैसे हजरत अनस हैं और हजरत अबू हुरैरा हैं, ये गैर फकी सहाबी हैं, इनके अंदर फकाहत नहीं थी। हाँ, अबू यूसुफ के अंदर फकाहत थी, जो हारून रशीद को शराब अबू यूसुफ ही तैयार करके पिलाया करता था। अबू यूसुफ के अंदर फकाहत थी, जो हारून रशीद के बाप की लौंडी को हारून रशीद के लिए हलाल किया करता था। इन फकीहों के अंदर फकाहत थी लेकिन नबी के सहाबा के अंदर फकाहत नहीं थी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन, अल्लाह जिससे भलाई का इरादा करता है अल्लाह उसके अंदर दीन की फकाहत पैदा कर देता। हजरत अबू हुरैरा से कोई भलाई का इरादा नहीं किया अल्लाह ताला ने, तो वो अबू हुरैरा जो अल्लाह के नबी से उनके सवाल करने पर अबू हुरैरा मांग क्या मांगता है, कहा अल्लाह के नबी मैं आपकी अहादीस सुनता हूं भूल जाता हूं। आपने फरमाया अबू हुरैरा चादर बिछाओ। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने चादर बिछा दी। आपने अपने हाथ से तीन दफा इशारा किया जैसा कुछ चादर में डाल रहे हैं, फिर कहा अबू हुरैरा उठाओ और अपने सीने से लगाओ इसको। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने चादर को समेट कर सीने से लगा लिया। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, उस दिन के बाद मैं अल्लाह के नबी की कोई हदीस नहीं भूला। एक दिन हजरत अबू हुरैरा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से कहते हैं, अल्लाह के नबी दुआ कीजिए, मेरी मां मुसलमान नहीं, वो आपको गालियां निकालती है, बुरा भला कहती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए और अल्लाह से अर्ज करने लगे, अल्लाहुम्मा हद उम्मा अबी हुरैरा था, या अल्लाह अबू हुरैरा की मां को हिदायत दे, या अल्लाह अबू हुरैरा की मां को हिदायत दे। तीन मर्तबा आपने दुआ की, या अल्लाह अबू हुरैरा की मां को हिदायत दे। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो खुश हो गए, घर पलटे देखने के लिए कि अल्लाह के नबी की दुआ पहले पहुंचती है या मैं पहले पहुंचता हूं। यकीन था अल्लाह के नबी की दुआ का कि कबूलियत का शर्फ हासिल करेगी ये दुआ। घर गए, दरवाजे पर पहुंचे, खटखटाया, दरवाजा बंद है। अंदर से पानी गिरने की आवाज आ रही है। अबू हुरैरा की मां कह रही है, अबू हुरैरा दरवाजे पर रुक जाओ, गुसल करने के बाद दरवाजा खोला और कहने लगी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मां की जबान से कलमा सुनने के बाद
घर में दाखिल नहीं हुए हजरत अबू हुरैरा, वापस पलटे नबी की मजलिस में पहुंचे रोते हुए, खुशी के आंसू हजरत अबू हुरैरा की आंखों से बह रहे थे। अर्ज करने लगे, अल्लाह के नबी, मेरी मां ने इस्लाम कबूल कर लिया, अब एक और दुआ कीजिए कि अबू हुरैरा और उसकी मां की मोहब्बत मुसलमानों के दिलों में घर कर जाए। अल्लाह के नबी ने भी इसी चीज की अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह मोमिनों के दिलों में अबू हुरैरा और उसकी मां की मोहब्बत को भर दे। जो मुसलमान अबू हुरैरा से मोहब्बत करेगा वो नबी की इस हदीस के मिस्ताक मोमिन है, और जो अबू हुरैरा से बुग्ज रखेगा, चाहे वो हनफी हो या ईरानी हो, अल्लाह की कसम वो ईमान से दूर हो जाएंगे। तुम्हें अबू हुरैरा की अजमत नजर नहीं आती? तुम इमाम मोहम्मद अबू यूसुफ और जुफर को जो अजीब अजीब मसाइल बयान करते हैं, अगर बयान करना हम चाहें, तुम कानों को हाथ लगाओ कि ऐसे बदबخت मसाइल, ऐसे गंदे मसाइल जिनको किसी आलिम ने बयान नहीं किया, ये लोग फकाहत के जरिए बयान करते हैं। और हजरत अबू हुरैरा नबी की हदीस बयान करे तो ये गैर फकीह हो जाता है। कहते हैं मुल्ला जीवन, वाइन वाफका हदीस उल कयास उमिला भी, अगर इनकी हदीस कयास के मवाफिक हुई अमल किया जाएगा, वाइन खालफहु लम युतरक इल्ला बिज़रूरा लिअन्नहु गैरु फकीहिन, और अगर इनकी हदीस कयास से टकरा गई फिर क्या होगा, जरूरत इस बात की है कि इसकी हदीस को तर्क कर दिया जाए, मसलहत इसमें है इसकी हदीस को छोड़ दिया जाए। क्यों? लेअन्नहु गैरु फकीहिन, इसलिए कि अबू हुरैरा गैर फकीह थे, इनकी हदीस को नहीं लिया जा सकता। नबी के असहाब में से सिर्फ एक सहाबी ज्यादा हदीसें बयान करता है, अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, ये मुझसे सबकत क्यों ले गया अहादीस बयान करने में, इसलिए कि ये अहादीस लिखा भी करता था, याद भी किया करता था। मैं लिखता नहीं था, याद किया करता था, और नबी की दुआ से पहले मैं भूल जाया करता था, इसलिए अब्दुल्ला जो है वो मुझसे सबकत ले गया। दूसरे नंबर पर आने वाला ये सहाबी, ये गैर फकीह है, और ईरानियों के बकौल ये हदीसें घड़ा करता था, और हनफियों के बकौल ये गैर फकीह है, इसकी हदीस को छोड़ दिया जाएगा, कयास लिया जाएगा। ईरानियों को ये जुर्रत कैसे पैदा हुई, हमने दिलाई कि हम इसको गैर फकीह की इस सीढ़ी पर ले आए हैं, तुम खींच कर इसको झूठों की सीढ़ी पर बिठाओ। और मदीने की रियासत तैयार हो रही है, इतना बड़ा जुल्म, शर्म नहीं आती मदीने की रियासत का नाम लेते हुए? नबी के असहाब पर इस तरह खुलकर तबर्राबाजी, पहले अबू बकर और उमर को ना छोड़ा, हजरत उस्मान को ना छोड़ा, हजरत माविया को ना छोड़ा, और आकर इंतहा कर दी हजरत अबू हुरैरा पर कि इनकी अहादीस झूठी अहादीस। हमारे दीन का अक्सर हिस्सा अबू हुरैरा की हदीस से साबित है। अगर ये झूठे थे, जहन्नमी, और दीन इस्लाम खत्म। अब ईरानियों से फिका जाफरी लेकर उस पर बैठकर अमल करो, छोड़ो ये पांच नमाजें, जोहर असर जमा करो,
مغرب عشاء جمع کرو، اور جمعے اور خطبے کی تمہیں اجازت نہیں، امامت کی اجازت نہیں، اس لیے کہ امام آئے گا بارواں تب اجازت ہوگی. متا کرو، تمہارے غسل کے پانی کے قطروں سے، ایک ایک قطرے سے 70,000 فرشتے پیدا ہوں گے جو متا کرنے والوں کے لیے، والیوں کے لیے دعائے استغفار کیا کریں. نکالو حضرت عائشہ کے جسم کو قبر سے، اور دو ان کو سولی، اور لگاؤ ان پر بدکاری کی سزا جو ان کا آخری امام، امام مہدی جس کو کہتے ہیں، خمینی نے اپنی کتاب میں لکھا، وہ آئے گا حضرت عائشہ کی لاش کو نکالے گا، سولی پر چڑھائے گا اور بدکاری کی سزا دے گا اس کو. صبر کرو سنیو، صبر کرو. عمر بن عبدالعزیز کی قبر کو پھاڑ کر ان کی ہڈیوں کو آگ لگا دی گئی، تمہیں کوئی غیرت نہیں آئی. اب انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کو پھاڑنا ہے، اس کے جسم کو نکالنا ہے، سولی دینا ہے، اس پر بدکاری کی سزا نافذ کرنی ہے، اور سنی دیکھیں گے مدینے کی ریاست بن رہی ہے، خوش ہوں گے. ہم حکومت سے احتجاج کرتے ہوئے یہ بات ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں کہ اس آدمی کو، اس ذاکر کو، اس متے کی آلات کو، کنجریوں کے بیٹے کو، منہ کالا کرنے والے کو فوراً گرفتار کیا جائے. 295 جو سنیوں پر لگتی تھی، اہل حدیثوں پر لگتی تھی، دیوبندیوں پر لگتی تھی، ان بدبختوں پر بھی لگاؤ. مگر نہ پھر نہ کہنا کہ لوگ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. یا کھل کر اعلان کر دو کہ سنیے، یہ تمہاری مملکت نہیں، یہ ایرانیوں اور قادیانیوں کی مملکت ہے، یہ جو چاہے کریں، ہم ان کو روکنے والے نہیں. اور یہ جرت نہیں، اگلا الیکشن سر پر آئے گا تو تمہیں جیتنے کی سنیوں سے امید ہوگی. قادیانی اور ایرانی ہیں کتنے، اگر ان کا ووٹ لینا ہے ان کی زبانوں کو لگام دو، ان کے ذاکروں کو پکڑو، ان پر بھی مقدمے بناؤ تاکہ ہمارے سینوں میں بھی ٹھنڈ پڑے. مگر یہ آگ تمہیں بھی جلا کر راکھ کر دے گی، ایرانیوں اور قادیانیوں کو بھی جلا کر راکھ کر دے گی. بدعائیں کریں گے ہم، قنوت نازلہ پڑھیں گے پھر ہم تمہاری حکومت کے خلاف بھی، اور ایرانی اور قادیانیوں کے خلاف. امن پسند لوگوں کو تم ان کے جذبات کو بھڑکاتے ہو اور بے غیرتی کی انتہا کرواتے ہو. مسلمانوں، دل میں غیرت پیدا کرو. بے غیرت مسلمان اللہ کو پسند نہیں. غیرت مند ایک مسلمان اکیلا ہو وہ اللہ کو پسند ہے، اور لشکر جمع ہو جائے بے غیرتوں کا، اللہ اس کو قطن پسند نہیں کرتا. صحابہ کی محبت، حضرت عائشہ اور امہات المومنین کی محبت، خلفائے راشدین کی محبت، اس کو اپنے دل میں جگہ دو، اس لیے کہ رب نے ان کی محبت کو قرآن میں جگہ دی ہے. جس کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں، وہ دل مرا ہوا دل ہے، اور وہ دل جو بغض صحابہ رکھتا ہے، بغض امہات المومنین رکھتا ہے، وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا، وہ جہنمی کتا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.